बसंत आप गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। जैसा कि आप कह रहे थे कि 15 जून के बाद बहुत जबरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, हम सोच तो रहे थे आप बोल रहे वैसे होंगे, लेकिन इतनी वोलेटिलिटी होगी ये नहीं सोचा था कि 900,000 पॉइंट डाउ ऊपर नीचे दिन में हो जाएगा और ऊपर से 500 पॉइंट फ्यूचर्स अभी ऊपर दिख रहे हैं, कल 500 नीचे दिख रहे हैं। सर हो क्या रहा है ये? हाँ गुड मॉर्निंग अनिल जी, यही तो आपको कहा था कि शेयर बाजार को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, प्रॉफिट जो कमाया बचाइए, क्योंकि हर आदमी को लेने की चेष्टा है बट बेचना भी सीखिए। तभी आपको हमने लास्ट 10 दिन से दोनों तरफ की कॉल दे रही है, कुछ स्टॉप लॉस भी हो रहे हैं बट इट कीप्स यू हेज, और ऐसा रहेगा अगले 2 हफ्ते। डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वन वे स्ट्रीट। तो मार्केट ये 9500 और 10,000 100 तक जाएगी, बट आपको वॉलिटिलिटी को बर्दाश्त करना है और उस कारण से या तो हेज कीजिए या ऑप्शन लीजिए। बट अगर रहना है मार्केट में तो दोनों तरफ का बाजार में सौदा करना पड़ेगा। मैं एक बार अपडेट भी दे दूं सर सौदों पे आपका कल का। जी सर प्लीज पहले एक बार अपडेट दे दें सर। तो पहले मैंने 2 बाय कॉल दी थी लूपिन, जो हमने पार्ट प्रॉफिट बुक करा दिया 957 में दिया था, 990 का अल्टीमेट टारगेट है, और बैंक ऑफ बड़ौदा जिसमें 49 से 51 का टारगेट है लेकिन 47.5 में उसको भी बुक करा दिया है एज ट्रेडिंग पिक्स। शॉर्ट कॉल में सारी क्लोजिंग स्टॉप लॉस पे है, कोटक 1275 जो ट्रिगर हो गया लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे है, जुबिलेंट फूडबर्ग 1735 क्लोजिंग बेसिस पे, SRF 3670 क्लोजिंग बेसिस पे, अडानी पोर्ट 347 क्लोजिंग बेसिस पे। ये चारों मेरी शॉर्ट कॉल हैं जो अभी कायम है, और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे रखेंगे तो आपको अपना स्टॉप लॉस उसके साथ रखना पड़ेगा। अब आप कहें तो मैं कॉल दूं, 3 कॉल हैं, 2 लेने की 1 बेचने की सर। जी सर, तो पहली लेने की है सर, साथ ही करते हैं सर, बताइए दोनों खरीदा जो। हाँ सर, पहला लेने का है सन टीवी, 380 का भाव है, 374 का स्टॉप लॉस रखिए, 393 का टारगेट। ओके 393 टारगेट, 380 के आसपास आपको सन टीवी में करनी है खरीदारी, और 374 का स्टॉप लॉस यहां पर तेजी करें। बसिन साहब का फेवरेट स्टॉक बस थोड़े थोड़े समय में फिर से लिस्ट में लौटता हुआ दिखता है, तो 380-382 के आसपास यहां पर खरीदारी कर सकते हैं सन टीवी। जी सर, दूसरा स्टॉक सर? दूसरा है सर सेल, 30.75 का भाव है, मेटल्स बहुत स्ट्रांग है, इसमें 29.45 का स्टॉप लॉस रखिए और 33 का टारगेट। 29.45 स्टॉप लॉस सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ खरीदना है, 33 के टारगेट के लिए, 33 रुपए का टारगेट होगा, 30.75-30.5 रुपए के आसपास ये चल रहा है, यहाँ पर आप सेल में खरीदारी कर सकते हैं। आज मेटल स्टॉक्स वापस से मजबूत होते दिख रहे हैं, यहाँ पर तेजी करके चलने की राय सेल में। सन टीवी सेल दोनों ही एस लेटर वाले स्टॉक बसिन साहब को पसंद है। बसिन साहब अब शॉर्ट क्या करना है वो भी बताइए सर। टाटा मोटर सर 97 और 98 के बीच में 100 का स्टॉप लॉस रखिए, 92 का टारगेट। 97-98 के बीच में 100 का स्टॉप लॉस, 92 का टारगेट, टाटा मोटर्स रिजल्ट के बाद यहां पर शॉर्ट करने की राय है वसीन साहब की तरफ से। एक और चीज सवाल पूछना चाहता हूं सर, क्या ज्यादा ट्रेड और अगर मुनाफा दिन में मिल जाए तो ओवरनाइट पोजीशन कम रखें, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है उसको देखते हुए क्या राय देंगे आप ट्रेडर्स को? बिल्कुल अनिल जी, आपको आपके यहाँ 3-3, 4-4% इंट्राडे मिलता है, उसको लेना सीखिए, मार्केट रोज नया रंग देता है। 1000 पॉइंट का अगर वॉलिटिलिटी आएगा मैं क्या कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, इसलिए हम आपको अपने तजुर्बे से बता रहे हैं दोनों तरफ का बाजार रखिए, इंट्राडे में जो कमाता है वही राजा होता है जो इंट्राडे में लेके जाए, और अगर आपको दोनों तरफ का सौदा रखोगे तो आपका हेज बनता है जो आपको वॉलिटिलिटी बर्दाश्त करने की ताकत देगा। जो मैंने स्टॉप लॉस दिए सर वो क्लोजिंग बेसिस पे है। परफेक्ट, बिल्कुल, तो क्लोजिंग बेसिस पर उन स्टॉप लॉस को मेंटेन करें, इंट्राडे में प्रॉफिट आ जाए तो हर चीज को टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ पकड़ के ना बैठे, बाजार के मूवमेंट के साथ थोड़ा एडजस्ट आप भी करते रहें, ये राय है वसीन साहब की तरफ से।